हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी फटाफट उठकर रेडी भी हो गया और आज भी हम सब लोग जा रहे हैं हमारे सीक्रेट लोकेशन पे। और आई नो आप सबको ऐसा गुस्सा आ रहा होगा थोड़ा कि भाई आप बता दे क्यों नहीं हो। तो भाई देखो, अभी कुछ काम बाकी है, वो एक बार हो जाएगा उसके बाद आपसे वो चीज़ शेयर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे वो लोकेशन। बट तब तक वेट कर लो थोड़ी। और भाई देखो, सबर का फल मीठा होता है, तो भाई वेट करना जरूरी है। भाई ओ भाई, अरे कहाँ गया, रेडी नहीं हुआ? बस कपड़े पहन लेता हूँ 2 मिनट। अबे जल्दी कर फटाफट, आज हम सब लोग जा रहे हैं क्योंकि भाई कल तो भाई और भाभी आ नहीं पाए। भाभी गुड मॉर्निंग, एक दिन के बाद मिले। कल कितना सोए आप? कितना? कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसके लिए। भाई कल तो मैं थक गया। कल तो मैं दोपहर को 3 बजे सोई थी और आज सुबह 6 बजे उठी मैं। अभी मैं ये किचन में आया और ये मैं क्या देख रहा हूँ मम्मी, ये भाभी ने ग्रेवी बनाने के लिए अंदर बटर रखा है ग्रेवी के लिए। इतनी तैयारी। लेकिन बिजली डुल है। सुबह से बिजली नहीं है और वैसे आप ये लाइट चालू देख रहे हो ना, वो इन्वर्टर की वजह से। इन्वर्टर है घर पे तो इसलिए ये सब अभी चल रहा है, लेकिन फ्रिज और एसी वो सब बंद है। बिजली नहीं है तो भाई घर पे क्या करेंगे, तो उससे अच्छा है कि भाई चलो हमारे सीक्रेट लोकेशन पे। तभी आज सब लोग रेडी होकर वहां पर ही जा रहे हैं। भाभी ने पनीर भी कट करके रखा है कि एक बार बिजली आ जाए तो भाई ये सारी चीजें बने। बिजली आनी इसलिए जरूरी है कि भाई ये मिक्सर चले तो ये ग्रेवी अच्छे से ग्राइंड हो और फिर जो भाभी आज सब्जी बनाएंगे वो बने, है ना? ये कब से ऐसे ही पड़ा है, लाइट अभी नहीं आने वाली। हम लोग ने फोन किया था, लाइट तो 6 बजे आएगी। तो अभी 6 बजने में ऑलमोस्ट 1 घंटा बाकी है और अभी कुछ खाने में भी नहीं है, तो अभी फ्रूट्स खाकर ही निकलते हैं। भाई भी अभी आ गया, लेकिन अभी मुझे पापा ने बताया कि अभी पापा नहीं आ रहे हैं। तूने क्या खिलाया पापा को? कल उनकी तबीयत खराब हो गई, पेट खराब है थोड़ा। पेट खराब मतलब थोड़ा अंदर उनको एसिडिटी। पापा बोलो ना क्या हो रहा है, मेरे को सब बोलना पड़ता है। पापा अभी गेम खेल रहे हैं भाई। पापा ने ना हाईटेक असिस्टेंट रखा है। अभी मैं कुछ खाने वाली हूँ, वो तुम दोनों देख के तुम दोनों की जल जाएगी। ओ माय गॉड, क्या है? पान। ओ, खाने खाने 2 दिन पहले टाइम मेरे को नहीं खाना। 2 दिन हो गया। कुछ नहीं होता है, पान तो अच्छा होता है। मीठा पान तो भाई सबको पसंद है घर में, लेकिन सिर्फ मम्मी के अलावा। भाई ये बकेट वाली मैट है ना, तो अच्छा है कि फटाफट क्लीन भी हो जाती है और फटाफट लग भी जाती है। अभी सिर्फ एक गीला पोछा मारना पड़ेगा तो ये जो धूल लगी है थोड़ी बहुत वो क्लीन हो जाएगी। जो रेत थी भाई वो तो गिरा दी। चले तो अब निकले, चलो। हाँ, हैप्पी बर्थडे। पहुंच गए हम इधर, लेकिन अभी आपको थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। भाभी मम्मी और भाई कैसा लगा आज? मैं हर बार यही पूछता हूँ सबको। हर बार बड़ा मजा आता है। और भाई तुझे कैसा लगा? मम्मी ने बोल दिया मतलब फाइनल। मम्मी तू नहीं, रिद्धि तू कितने पफ? 1। पापा के 2। 3। और विशु का 1। 4। हाँ बस मुझे एक ही खाना है भाई, ज्यादा नहीं। अभी आज मिलेगा तो ना भाई, ये भाई की फेवरेट प्लेस है क्योंकि यहाँ पर पफ जो मिलते हैं वो भाई को बहुत अच्छे लगते हैं। तो लास्ट 2 बार तो ऐसा हुआ कि हम यहाँ पर आए लेकिन पफ अवेलेबल ही नहीं थे, बट अभी आज मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो भाई आज भी खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा घर। और लेडीज वो खाने का प्रोग्राम का क्या हुआ आपका, वो सब्जी बनाने वाला थे? वो अभी तो ये पाव खाने वाले ना, आधा आधा ये खा लोगे तो कल बनाएंगे। हमारे घर पे जो प्रिपरेशन होती है ना रात के डिनर की, वो कैंसिल होने में सिर्फ 2 ही सेकंड लगते हैं। और ये पफ मिल गए भाई, पफ के साथ लौटा भाई, कितना खुश हो गया। 10 पफ 100 रुपए का, यस लॉटरी लग गई भाई। खुश अभी? अभी तो खाऊंगा तभी खुशी मिलेगी। खरीद के थोड़ी खुशी मिलती है, खाने की चीज खाने के बाद खुशी मिलती है। अभी जाना है घर? जाना ही नहीं, खाना है पफ, जलो फटाफट। और ये पहुंच गए घर। अरे मेरे पफ किधर गए? अरे ओ मेरा भूखा भाई। मम्मी भाई को सबसे पहले पफ दे दे चल। हाँ, और ये सब अंदर ही रहने दो। कहाँ पर जाना है, ढोकला खाना है? हाँ। भाई मम्मी को अभी ढोकला खाना है। ये तो अभी पफ भी खाएंगे और फिर ढोकला भी खाएंगे। भाई ये लोग कितना खाते है, वैसे मैं भी खाता हूँ इतना, लेकिन मैं इतना जल्दी जल्दी नहीं खाता हूँ। कितने सारे पफ है, साथ में डाइट कोक। पफ थोड़े ठंडे थे तो अभी मैं गरम कर रहा हूँ। पापा आपको करने हैं? नहीं भाई, तुझे करने हैं? हाँ लेगा भाई। अभी ये भाई के भी मैं पफ गरम कर देता हूँ। भाभी आपके करने हैं पफ?
और अभी तू खाकर बता कि कितने गर्म हुए हैं। वैसे मेरे को इधर गर्मी लग रही है, बहुत गर्म है। और स्मेल भी मस्त आ रही है ना इसकी। पफ में यही तो मजा है, पफ ऐसी चीज है ना, वो गर्म ही खाने में मजा है। मेरे तो हर भी जल गए। पापा ने बहुत ठंडे खाए और ये अपने भी पफ गर्म हो गए। मम्मी को लगा कि मैंने ऐसे ही फोन निकाला, लेकिन पता नहीं कि भाई ये व्लॉग में भी आ गए। अरे एक बार फिर से, वंस मोर। अरे कमेंट बॉक्स में सब लोग बोल भी रहे हैं कि एक बार फिर से हो जाए। दस्तावेजों ने लेटर हेड छे अने तेओ पुष्टि करवा माटे दाव करे छे। हमारी न्यूज रिपोर्टर घर की। पफ तो हम सबने खा लिए, डिनर बनने वाला था घर पे, तो अभी वो डिनर स्किप होकर भाई गया है कल पर। क्या होगा पता है अभी? हाँ, वो हमारा डिनर जो है ना, हाँ, वो लंच बन जाएगा। और वो जादू किसको आता है पता है? एक मम्मी को और इधर एक भाभी को। भाई लेकिन अभी आज मम्मी को वो ढोकला भी खाना था। फिर मम्मी और क्या खाना था तुझे? ढोकला नहीं खाना, हांडवो। हाँ भाई हांडवो, तो अभी हम वही खाने के लिए जा रहे हैं। मैं नहीं आने वाला क्योंकि भाई जा रहा है अपने फ्रेंड्स को मिलने, है ना। घर पर ही हूँ, किधर नहीं जा रहा। नहीं 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 पता है मुझे। इतना खुश तब भी हो रहे जब अपने फ्रेंड्स को मिलने जाते। हाँ, चेहरे पे जो हंसी है ना पापा को, मुझे ऐसी होती है। और अभी हमारे साथ पापा भी आ रहे है। ये पापा की नेक्सन में जाएंगे, पापा ही कार चलाएंगे। और ये देखो कैसे बैठते हैं शहनशाह की तरह, ये पीछे ये गद्दा वद्दा लगा के। इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं ये ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, तो कि भाई एकदम आराम से बैठा हूँ। और अभी पापा चला रहे हैं, पहुँच गए इधर हम हांडवा खाने के लिए। जो उनका वो स्पेशल येलो वाला ढोकला ही खाना। हाँ, पापड़ी का लोट आ गया और ये पंजाबी हांडवा। ये पंजाबी हांडवा आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूंगा। मस्त है। मम्मी ने यहाँ पर खाया भी और पार्सल भी ले लिया। बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जस्ट हम निकले यहाँ से और ये मम्मी का भी चालू हो गया खाने का। और ये हमारे देखो छोटे बाबू इधर उधर उधर गुंडी सब जगह हिला रहे हैं। जाना दो, मैं नीचे बैठ गया, जाना दो। चलेगा पापा, नेक्सो ने दिस का लोहा। पापा की हाइट थोड़ी कम है ना, इसलिए इतना हो रहा है। दिक्कत नहीं है पापा को, भाई मस्ती कर रहे है। नहीं तो अभी पापा मुझे उतार देंगे। जाओ अभी ऐसे ही भाई ऑटो में, घर घर पे। घर पे नहीं, अभी कुछ मीठा हो जाए। किस तरफ? लेफ्ट। कुछ मीठा खाने के लिए आया है, तो अभी पैनकेक आइसक्रीम बहुत कुछ मिलता है, तो वो सब खाएंगे। आकाश भाई आज ये सब मिस करेंगे, नहीं भाभी? हाँ। भाई आज भाई अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए गया है, लेकिन ये जब व्लॉग देखेगा ना, तब उसको बहुत ऐसा पछतावा होगा कि भाई मैं क्यों नहीं आया इन लोगों के साथ। भाभी ये सब देख के मन हो गया ना, ये भाभी का भाई कौन रेडी हो गया। भाभी खुश हो गए। भाभी कभी भी ऐसा फोटो नहीं लेते है, ना ही वीडियो, वो बूमरैंग ही लेते हैं। फ्रेश बनाना आइसक्रीम आ गया। पापा मलाई कुल्फी खा रहे हैं। भाभी का ये कौन सबसे बड़ा है? नहीं, मम्मी की सिजलिंग हॉट ब्राउनी भी आ गई। मम्मी जब भी बाहर ऐसे जाती है ना खाने के लिए, तो मम्मी एंड में यही खाने का पसंद करती है। भाई हो गया मीठा और अभी जाते हैं घर। थोड़ा ही खाने के लिए निकले थे, लेकिन इतना ज्यादा खा लिया ना कि भाई पूछो ही मत। हमारा हर बार का ऐसा ही होता है सीन कि भाई थोड़ा खाने के लिए निकलते हैं, लेकिन फिर थोड़ा 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 करके बहुत खाना हो जाता है। बिकॉज ऑफ ये भाभी और ये मम्मी, ये दोनों की वजह से। ये आपको इतनी बड़ी रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है ना, सेव ममरा ही मिलता है। वैसे और भी चीजें मिलती है, लेकिन ये फेमस है सिर्फ वो सेव ममरा के लिए। और गुजराती में हम इसको ममरा बोलते है, और हिंदी में इसको आप मुरमुरे बोलते हो। कुरमुरे भाई, कुरमुरे मुरमुरे जो भी हो, बस वही चीज है। पैक भी हो गए और इसके साथ ये प्याज, फिर हरी मिर्च और वो सब दिया है। और ये पहुंच गए घर। घर पर आए सिर्फ 2 मिनट हुए और पापा ने अपना यूनिफॉर्म डाल दिया। ये जो मुरमुरे, इसके अंदर ऐसी 2-3 टाइप्स की सेव भी होती है, एक तीखी एक खट्टी मीठी ऐसी, और
इसके ऊपर ये प्याज और ये हरी मिर्च उसके साथ खाया जाता है। बहुत मस्त लगता है ये टेस्ट में। जैसे लोगों को शराब चढ़ती है ना, वैसे अभी भाभी को वो आइसक्रीम चढ़ गया। आइसक्रीम का नशा हो गया, इतना खाया और ये कोन लिया था वो इतना बड़ा था कि भाई भाभी का पेट ही भर गया। तो चलिए अब ये आज का व्लॉग इधर एंड करते है। और भाई आप तो सच में बहुत ज्यादा खा लिया हमने भाई, तीखा भी खाया मीठा भी खाया और अभी थोड़ा कुछ बच गया था तो ये पार्सल करवा के भी आए, तो कल सुबह भी खाएंगे नाश्ते में। चलिए अभी ये व्लॉग एंड करते हैं। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।